नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एलटी ग्रेड हिंदी महिला का रिजल्ट घोषित किया गया है आज, और मैंने रिजल्ट के साथ साथ छात्रों को भी बोला था कि अपने कट ऑफ शेयर करें, कितने नंबर पर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में चयनित छात्रों ने कितना बताया है, कट ऑफ किस कैटेगरी के छात्र का कितने पर चयन हुआ है। तो ये देखिए, मेरा 84 था, 465 रैंक, पूजा यादव। आगे है मेरा 95 क्वेश्चन सही था, जनरल रैंक 108। और किसी और ने भी यहाँ पे लिखा है 88 था, 290 रैंक। ये देख लीजिए, 67 एससी हुआ है, 80 एससी हुआ है, 67 एससी पे हुआ है। ये देखने वाली बात है कि 67 नंबर तक हुआ है। और आगे देखिए, 636 रैंक एससी महिला, और 89 क्वेश्चन सही थे, आगे और भी रिजल्ट हैं। जनरल में हुआ है 653 पर, ऋतु सिंह का, इन्होंने रैंक नहीं शेयर की है। आगे एक और है, इनका भी हुआ, नाम तो इनका नहीं लिखा हुआ है। मेरा सिलेक्शन हो गया 345 रैंक, कितने क्वेश्चन सही थे, किस कैटेगरी में, तो बाद में इन्होंने बताया, विजेता सिंह को बताया इन्होंने कि नंबर मेरे हिसाब से 98 थे, बाकी यूपी पीएससी जाने, ओबीसी में फर्स्ट रैंक। बहुत अच्छा है, ओबीसी में अगर 98 ये बता रही हैं, और एक दो क्वेश्चन पे डिस्प्यूटेड थे जिस पे, तो अगर 98 भी मान लिया जाए तो 98 पे ओबीसी में फर्स्ट रैंक आ रही है। आगे देखते हैं, 616 रैंक शशिकांत एससी, 91 सेलेक्टेड राजू सिंह आपका, ये तो कमेंट कर रहे हैं, खैर इनका तो। यहाँ पे देखिए, मेरा चयन हुआ है 604 रैंक है, और विनीता सिंह, इन्होंने कैटेगरी नहीं लिखी, लेकिन हो सकता है जनरल कैटेगरी की हो या ओबीसी की होंगी। तो दोस्तों, आपने ये देख लिया कि कितने कितने नंबर पे छात्रों का हुआ है। तो इसका जो मेरिट था बहुत ज़्यादा हाई नहीं गया है, लोग 100 के ऊपर बताते रहते थे अपनी वीडियो में कट ऑफ के हिसाब से, तो 100 के ऊपर तो खैर नहीं गया है, 100 के नीचे ही रहा है, और एग्जैक्ट कट ऑफ तो अभी पता नहीं चल पा रहा कितना है, बस ये सब रुझान है। एग्जैक्ट कट ऑफ तो आयोग को ही मालूम है, जो छात्र पक्का बताए कि कितने पर हुआ है और उसका लोवेस्ट रहे, तो उसी से पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितना गया हुआ है। ठीक है, आने वाले दिनों में फिर से सर्वे किया जाएगा, चयनित छात्र जो हैं, जो चयनित छात्र हैं केवल उनकी बात मैं कर रहा हूँ। हिंदी और SST का व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा आपको, उसमें आप ऐड हो सकते हैं, और जब छात्र ऐड हो जाएंगे तो उनसे एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में भी चर्चा की जाएगी, और बाकी ज्वाइनिंग की जो अन्य प्रक्रिया है उसके बारे में भी उनको वहाँ से हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।